हिंदुस्तान नेपाल दोस्ती का नया सदर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देउबा ने हिंदुस्तान और नेपाल के बीच रेल सर्विस का किया इफ्तिताह। पीएम मोदी ने अपने खिताब में कहा, हिंदुस्तान नेपाल की दोस्ती अपने आप में खास है, हम अनादिकाल से सुख दुख के साथी रहे। हिंदुस्तान दौरे पर नेपाल के पीएम दिल्ली में हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देउबा ने की मुलाकात। हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच बुरी कारोबार माहिदा पर दस्तखत, पीएम मोदी ने कहा दो तरफा रिश्तों के लिए एक तारीखी लम्हा। शिवपाल यादव की बीजेपी में शामिल होने के कयासों के बीच ट्विटर पर शिवपाल ने पीएम मोदी सीएम योगी और दिनेश शर्मा को फॉलो किया। गुजरात दौरे पर सीएम केजरीवाल और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान, मान ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में चरखा चलाया। जल्द पाकिस्तान लौटेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, भाई शहबाज शरीफ को नवाज ने दी खबर। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले इमरान खान को बड़ा झटका, सेक्रेटरी जनरल आजम खान ने छोड़ा इमरान का दफ्तर। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद को लेकर पोजीशन पर फिर किया हमला, कहा लंदन में रची गई सरकार गिराने की साजिश, बोले कैप्टन अपनी प्लानिंग बनाकर रखता है। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले अपोजिशन स्पीकर को लिखा खत, तहरीक अदम एतमाद के दौरान मांगे सिक्योरिटी, बिलावल भुट्टो ने कहा कुर्सी पर खतरा आते ही मोदी की तरफ देखते हैं इमरान। इक्तसादी बहरान से गुजर रहे श्रीलंका के हालात बेकाबू, सदर गोटाबाया, राजपक्षे ने लगाई इमरजेंसी, चीन ने मदद करने से किया इनकार, भारत ने कहा हम मदद के लिए हमेशा आगे। रूसी वजीर खारजा ने पीएम मोदी से की मुलाकात, कहा जंग को लेकर सालिसी कर सकता है हिंदुस्तान। रूसी वजीर खारजा के मुताबिक हिंदुस्तान पर किसी के दबाव का असर नहीं। जंगबंदी को लेकर रूस यूक्रेन के बीच हुई बातचीत, रूस ने कहा ये युद्ध नहीं बल्कि यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन है। अमेरिका और रूस में और बड़ी कशीदगी, अमेरिका ने रूसी बॉर्डर पर न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर दिया इंतबाह। ज़ेलेंस्की का रूस पर बड़ा इल्जाम, कहा डोनबास में रूस बड़े हमले की तैयारी में, कीव में यूक्रेनी फौज रूस को दे रही जवाब। रूस पर यूक्रेन की फौज का जोरदार जवाबी हमला, रूस की BTR-80 पर यूक्रेनी फौज ने दागी मिसाइल, अटैक में तबाह हुआ BTR-80। मारियोपोल में रूस की जोरदार बमबारी जारी, रूसी बमबारी में यूक्रेन का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हुआ तबाह। मारियोपोल में रूस की बमबारी मुसलसल जारी, बमबारी से बचते नजर आए लोग, शहर के मेयर के मुताबिक रूसी हमले में अब तक 5,000 लोगों की जा चुकी है जान। यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से हटा रूस, रूसी फौज ने प्लांट पर छोड़ा कब्जा। जांच एजेंसीज को लेकर CGI ने किया तबसीरा, कहा एजेंसियों को एक छत के नीचे लाने के लिए बने अलग तंजीम, जिससे जांच ना हो मुतासिर और बचे वक्त। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर हुआ 80 पैसे का इजाफा, दिल्ली में पेट्रोल 102 के पार तो डीजल 94 के करीब, 22 मार्च से अब तक 7 रुपए से भी ज्यादा बड़ी कीमत। सिक्किम में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा, बैलेंस खोने के बाद नदी में गिरा पैराग्लाइडर, हादसे में तेलंगाना की सैयाह और लोकल गाइड की मौत। कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस की वैक्सीन कंपनी स्पुतनिक की बड़ी कामयाबी, दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन बनाई, रूसी वजारत सेहत ने दी जानकारी। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट, शशि थरूर ने UAPA कानून को खत्म करने की उठाई मांग, कहा कानून का हो रहा है गलत इस्तेमाल, बेवजह गिरफ्तार किया जा रहा है लोगों को। आर्यन ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सैल की मौत, मुंबई के चैंबूर में दिल का दौरा पड़ने से गई जान, किरण गोसावी के खिलाफ दी थी गवाही।